हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन पटेल्स किचन। मैं हूं मुबीना पटेल और आज है डे 21st ऑफ रमदान, यानी कि 21वां रोजा। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे इफ्तार मेन्यू में है एक फ्यूज़न डिश जो है पापड़ी पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी बहुत ही इजी एंड सिंपल है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि पापड़ी ले लेनी है। तो मैंने बेकिंग ट्रे में पापड़ी ले ली है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पैन में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पापड़ी के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस के अंदर मायोनीज़ ऐड किया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मायोनीज़ पिज़्ज़ा में, इसकी वजह से। और अब मैं क्या करूँगी कि उसके अंदर ऐड कर दूँगी पनीर, जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। तो पनीर ऑप्शनल है, वेजीज भी ऑप्शनल है, जो आप चाहे वो वेजीज ऐड कर दीजिए। आप चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस। और पनीर ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी कैप्सिकम। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़े ऐसे ही छोड़ दिए हैं सिर्फ पनीर डाल के, क्योंकि मेरे बच्चों को वेजीज नहीं पसंद, तो उनके लिए सिर्फ पनीर और चीज़ ही रहेगा। और बाकी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी स्वीट कॉर्न। और फ्रेंड्स, मेरे पास ऑलिव्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं वो भी नहीं ऐड करूँगी। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर इटालियन सीजनिंग ऐड कर दूँगी, बस इस तरीके से स्प्रिंकल्स कर लूँगी। तो इसमें सारे सीजनिंग है, इसकी वजह से मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सारे इटालियन हर्ब्स है, चिली फ्लेक्स भी है, ब्लैक पेपर भी है, तो मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी कि इनके ऊपर चीज़ ऐड कर दूँगी। और चीज़ ऐड कर देने के बाद मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। ओके, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ओवन को प्रीहीट करने छोड़ दिया है 180 पर 10 मिनट के लिए, और मैं इनको 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी ये पापड़ी पिज़्ज़ा को। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और आप इसे बिना ओवन के भी बना सकते हो। तो आप ये पापड़ी को पैन में ले लीजिए और लो फ्लेम पर इसे टोस्ट कर लीजिए चीज़ मेल्ट होने तक। इंशाल्लाह वो भी परफेक्ट ही बनेंगे पापड़ी पिज़्ज़ा। तो बस यहाँ पर बेक होकर रेडी है, और बस मेरे इफ्तार का दस्तरखान भी रेडी है। बस आज के वीडियो में ये एक ही रेसिपी थी, क्योंकि कस्टर्ड तो डेली बनता है और वो रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है। और यहाँ पर मैंने टैंग बनाया है, मैंने समोसे फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर लिए हैं, और फ्रूट्स है। तो बस यही रोज़ की चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैंने कुछ और नहीं शेयर किया रेसिपी, और फिर इतना यूज़ भी नहीं होता है तो मैंने कुछ और बनाया भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।